गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 11th हिंदी मीडियम RBSE का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 10 पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाले हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सांद्रता के बारे में, यदि हम विलयन के बारे में बात कर रहे हैं तो विलयन किससे मिलकर बना है, विलय और विलायक से मिलकर बना है। ठीक है, विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो जब हम एक विलयन को बनाते हैं तो विलयन के बारे में हम जो भी बताते हैं वो उसकी सांद्रता से बताते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पदार्थ को, मान लो विलेय को हमने 10 ग्राम लिया, उसको हमने कितने जल में घोला, तो 10 ग्राम मान लीजिए आपने शर्करा ली, कॉपर सल्फेट लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, कोई भी विलेय जो लिया उसको आपने जब जल में घोला या किसी भी विलायक में घोला, तो जो सांद्रता है उसको हम अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था मोलरता क्या होती है। मोलरता का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, कितने विलय घुले हुए हैं, विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, कितने आयतन में, विलयन के कितने आयतन में घुले हुए हैं। नॉर्मलता में क्या था, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलयन के कितने आयतन में घुली हुई है। मोलरता क्या थी, विलय के मोल विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए हैं। ठीक है, और मोल अंश क्या था, मोल अंश था कि विलय के मोल अपॉन कुल मोल, विलायक के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, इस तरीके से हमने ये जो स्टैटिक के चार जो मैंने आपको बताया सांद्रता को के रूप पढ़ लिए थे कि सांद्रता को हम मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल अंश के रूप में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सांद्रता को और भी तरीके से बताते हैं। ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये आपके 12th के सेकेंड चैप्टर विलयन में फिर से आएगी और कुछ क्वेश्चंस आपके अभी इसी से सॉल्व होंगे। तो अब नेक्स्ट सांद्रता को बताने का तरीका है, दैट इज परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। अब आप देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यानी दोनों ही चीजें द्रव्यमान में है। डब्ल्यू का मतलब वेट, वेट का मतलब मास। ठीक है, तो मास परसेंटेज कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, मास परसेंटेज इंग्लिश में, द्रव्यमान प्रतिशत W बाय W। इसका मतलब है क्या कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं सांद्रता में विलेय का, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें किसमें होंगी, द्रव्यमान में। विलेय का भी द्रव्यमान है और विलयन का भी द्रव्यमान है। विलेय का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान, और विलयन जो है वो किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना है। तो विलयन का द्रव्यमान भी किसमें है, ग्राम में। यदि दोनों चीजें यदि ग्राम में हो और उसको हम यदि 100 से गुणा कर दें तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। कैसे है? देखो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन बोला है उसने 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्रतिशत डब्ल्यू बाय डब्ल्यू होगा। ठीक है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोल रहे हो, तो आप जरा देखिए विलेय कौन है, शर्करा, और विलायक कौन है, जल। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो सबसे पहले जैसे ही उसने परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बोली तो इसका मतलब क्या हो गया, विलेय के ग्राम, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला देखिए, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान किस, विलेय के ग्राम अपॉन विलयन के ग्राम, विलयन के ग्राम, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो 100 कर देंगे। ठीक है, अब विलेय के ग्राम कितने दिए, 20, और जल के ग्राम, विलायक के ग्राम कितने दिए। अब देखो विलयन है, यहाँ क्या है, विलयन, अब विलयन किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 80। ये चीज आपको ढंग से ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि विलयन पूछा है यहाँ पर, ये जल जो है ये सिर्फ विलायक है, तो विलेय और विलायक दोनों के मिल जाएंगे तो विलयन बन गया। अब क्या हो गया, 20 बटे 100 गुणा 100, कितने परसेंटेज हो गई, तो परसेंटेज 20% हो गया, 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सॉल्यूशन है। यानी जब आपने 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला तो घोलने पर प्राप्त विलयन का परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत हम किससे बताते हैं, परसेंटेज वी बाय वी से। इसका मतलब क्या हुआ, विलेय का आयतन से अपॉन विलयन का आयतन। विलेय का आयतन किस में लेंगे, मिलीलीटर में। विलयन का आयतन किस में लेंगे, मिलीलीटर में, गुणा 100।
ठीक है, दोनों को, दोनों चीजें यदि आयतन में है तब तो वो आयतन प्रतिशत हो गया, यदि दोनों चीजें द्रव्यमान में है तो वो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, यदि द्रव्यमान को काम में ले रहे हैं तो दोनों चीजें ग्राम में लेंगे, यदि आयतन ले रहे हैं तो दोनों या तो मिलीलीटर होंगी या तो लीटर होंगी। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है वो आपसे 20 ml इथेनॉल को 160 ml जल में घोलने पर परसेंटेज वी बाय वी यानी परसेंटेज आयतन प्रतिशत होगा। आपने किसको घोला? एथेनॉल को घोला। एथेनॉल क्या है तो परसेंटेज वी बाय वी का फॉर्मूला क्या है? विलय का आयतन। विलय क्या है? एथेनॉल है तो विलय का आयतन हो गया, देखो विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है। विलय का आयतन कितना है? 20 ml। विलयन का आयतन कितना है? 160 सिर्फ विलायक है। विलयन कितना है? 20 × 100 कितना हो गया? 20/180 × 100 सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 0 = 18 100/9 9 × 9 = 9 पॉइंट कितना आ गया? 11.1% 11.1 आयतन प्रतिशत होगा जब हम 20 ml एथेनॉल को 160 ml में घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो जो आयतन प्रतिशत होगा उस विलयन का क्या होगा? 11.1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जैसा नाम से पता पड़ रहा है, एक चीज द्रव्यमान में और एक चीज आयतन में है, यानी परसेंटेज W by V परसेंटेज। तो विलय का तो द्रव्यमान और विलयन का आयतन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर आयतन 500 ml किया गया है तो परसेंटेज W by V होगा, कैसे निकालोगे? 10 ग्राम यूरिया को घोला है आपने, 10 ग्राम यूरिया को घोला किसमें? 10 ग्राम यूरिया को जल में घोला, तो यूरिया तो क्या हो गया? यूरिया तो हो गया विलय और जल क्या हो गया? विलायक, ठीक है। सबसे पहले आपको विलय और विलायक को पहचानना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब पहले विलय विलायक को पहचानो, फिर फॉर्मूले को रखो, क्या फॉर्मूला पूछा गया है, बस उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 10 ग्राम यूरिया हो गया विलय का द्रव्यमान, अब जल में घोला है, यहां पर क्या है? विलयन, तो क्या हो जाएगा? 10 + 500 ठीक है, 10 + 500 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो इस तरीके से कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया, तो कुल आयतन बता रहा है वो आपको यहाँ पर। कुल आयतन का मतलब किसका आयतन? विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन। वो विलयन का ही पूछ रहा है। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया हुआ है, क्योंकि हम ग्राम और आयतन को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसमें कुल आयतन ही 500 ml कर दिया, तो ये कुल आयतन किसका है? विलयन का आयतन है। तो क्या हो गया क्वेश्चन? दो प्रश्न W/V, ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 10 तो 2% हो गया, क्लियर। अब देखो सांद्रता इसके अलावा ppm और ppb में भी प्रदर्शित की जाती है। ppm का मतलब क्या है? 5 per million और ppb का मतलब है 5 per billion। अब 5 per million का मतलब क्या है? 5 per million, million का मतलब होता है 10^6, ठीक है। तो यदि मिलियन है तो 10^6 होगा और यदि बिलियन है तो 10^9 होगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, बिलियन और बिलियन में क्या फर्क है? मिलियन 6 billion 9, ठीक है। अब जितनी भी सांद्रता पढ़ी है आपने उसमें क्या पढ़ा है? विलय और विलयन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है? विलय के भार भागों की संख्या अपॉन विलयन के भार भागों की संख्या, ठीक है। विलय के भार भागों की संख्या, भार भाग का मतलब उसका द्रव्यमान, वो कितने पार्ट्स में है, तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान
टू 10^6 वो तो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, विलय का द्रव्यमान, या कह सकते हो विलय के भार भागों की संख्या। कैसे भी आपको जैसे समझना है, मैंने डेफिनेशन इसीलिए लिख दी है कि आप विलय का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान लिख सकते हो, या विलय के भार भागों की संख्या अपन विलयन के भार भागों की संख्या गुणा 10^6। ये तो पार्ट्स पर मिलियन हो गया, और यहाँ पर यदि विलय के भार भागों की संख्या अपन विलयन के भार भागों की संख्या गुणा 10^9, तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। अब देखो, अब आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट में एक चीज समझनी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कि विलय जो है किसमें उपस्थित है। अभी यहाँ तक जितने में भी था, या तो वो विलयन में उपस्थित था, 1 लीटर में उपस्थित था, 2 लीटर में उपस्थित था, लेकिन यहाँ तो कितने में उपस्थित है, 10^6 में। विलयन कितने में, विलय जो है वो किसमें उपस्थित है, विलयन के 10^6 भाग में, और ये तो 10^9 में। यानी यहाँ पर जो विलयन का द्रव्यमान हम ले रहे हैं या विलयन के भार भागों की संख्या ले रहे हैं, तो यदि हम ढंग से देखेंगे तो विलयन किससे मिलकर बना है, विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है, लेकिन विलय बहुत कम होता है इसलिए उसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विलय को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। तो एक्चुअल में विलय का द्रव्यमान अपॉन क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान हो गया, ये चीज समझनी है। अब क्वेश्चन देखिए, 0.2 ग्राम फ्लोराइड 500 ग्राम विलायक में घुला है तो पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता होगी, तो पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता होगी, वो आपसे सांद्रता पूछ रहा है। अब देखो, 0.2 ग्राम फ्लोराइड को 500 ग्राम में घोला है, तो 0.2 ग्राम तो क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान। अब 500 ग्राम विलायक में घोला है, दोनों ही ग्राम ग्राम में, वैसे तो क्या होना चाहिए था, 0.2 प्लस 500 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन अभी आपको बताया कि विलय जो है वो बहुत कम है, तो इसको हम काम में लेंगे ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0.2 upon 500 × 10^6। इसको जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपकी क्या आ जाएगी, पार्ट्स पर मिलियन। और यदि वो पार्ट्स पर मिलियन पूछता तो आपकी क्या आ जाती, 0.2 upon 500 × 10^9। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें सांद्रता के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो किस चीज पर बनते हैं, वो बनते हैं आपके मोलरता पर, मोललता पर, और मोल अंश और नॉर्मलता पर। तो इस चीज को आप करेंगे, सांद्रता आपको सारा बता दिया है, विलयन में किसी भी कोई भी अभिक्रिया जो कि सॉल्यूशन में हो रही है, विलयन में हो रही है। अब इसमें हमारे पास एक छोटी सी चीज और रह गई है, जब आप बुक चैप्टर का पढ़ रहे हैं उसमें क्या रह गया है, उसमें एक पार्ट रह गया प्रतिशत संगठन। कहीं कहीं पर देखो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि प्रतिशत संगठन क्या क्वेश्चन है। ऐसे प्रतिशत संगठन बिल्कुल आसान है, लेकिन प्रतिशत संगठन का क्या मतलब है, ये इसका सांता से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, ठीक है, प्रतिशत संगठन का मतलब क्या है कि प्रतिशत संगठन क्या होगा, प्रतिशत संगठन का मतलब है कैसे निकालते हैं प्रतिशत संगठन, तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान × 100। यानी प्रतिशत संगठन का मतलब है कि आपका एक यौगिक है, उस यौगिक में बहुत सारे तत्व है, कोई भी यौगिक है उसमें बहुत सारे तत्व है, तो हर एक तत्व का तो प्रतिशत संगठन का मतलब है कि हर एक तत्व का कितना परसेंटेज है, तो आप निकालेंगे तत्व का द्रव्यमान अपन यौगिक का द्रव्यमान गुणा 100। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक यौगिक जिसमें 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन उपस्थित है, ये उपस्थित है तो प्रतिशत संगठन होगा, तो प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन
संगठन निकाले, कि आपको एक यौगिक दिया है, उस यौगिक को उसने कहा दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये बता दिया उसने, तो यौगिक का भार निकाल लीजिए, यौगिक का अणुभार कितना हो जाएगा, यौगिक का अणुभार देखिए, यौगिक के अणुभार में कितने, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब दो कार्बन का मतलब 2×12, हाइड्रोजन का मतलब 1 और एक ऑक्सीजन का मतलब 16, तो देखो जरा कितना हो गया, 12×24 +2+16, यानी टोटल कितना हो गया, 4, 6, 4, 10, 2, 12 फिनिश हो गया है, आप पढ़ लें, कुछ नहीं आता है तो पूछ लें, थैंक यू।